हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन हम रिलेशन और फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को बारी बारी से और डिटेल में विस्तार पूर्वक हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर जो है रिलेशन है ए और बी का है, जहाँ पर ए इज इक्वल या लेस देन बी स्क्वायर है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक, न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही सक्रामक है। इसको हल करने के लिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, दिया है ए इज इक्वल टू, या दिया है ए इज इक्वल टू आर इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है। ठीक, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है। और कह रहा है कि जो हमारा आर है, रिलेशन है, क्या है, जो रिलेशन है ए और बी है, जहां पर ए है क्या है लेस देन क्या है बी या इक्वल है बी स्क्वायर के। ठीक, तो दिखाना हमको ये है कि यह जो दिया गया रिलेशन है न ही समतुल्य है, न सममित है और न सक्रामक है। ठीक, तो पहली बात, समतुल्य संबंध के लिए हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्स होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। किसके लिए, समतुल्य के लिए। ठीक, तो समतुल्य के लिए हमारा जो फलन होना चाहिए एक्स एक्स होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारा वास्तविक संख्या कोई भी हम मान लेते हैं 2 लेते हैं। ठीक, तो हम मान लीजिए वास्तविक संख्या हम लोग क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ए इज इक्वल टू क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, तो हमारा बी भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए दिया है क्या लेस देन बी स्क्वायर या इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ये तो इम्पॉसिबल नहीं है कि 2 लेस देन 2 के या इक्वल टू 2 के स्क्वायर के बराबर बराबर या उससे कम हो के लिए तो सत्य नहीं है। अतः यह हमारा क्या है, समतुल्य संबंध नहीं है। क्या है, समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, उसी प्रकार सममित के लिए हम लोग सममित के लिए जानते हैं कि जो संबंध है, मान लीजिए हमारे पास -1 और क्या है लेस देन 3 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक, और यानी हमारा जो संबंध है क्या है, -1 और 3 का संबंध है। ठीक, जो हमारा रिलेशन क्या है, आर है, आर का इवेंट है। ठीक, तो ये बताइए अगर ये सममित संबंध होगा तो 3 जो होगा लेस जैन या -1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। 3 जो है -1 के स्क्वायर के बराबर या लेस जैन नहीं होगा। तो अतः यह संबंध जो 3 और -1 है क्या है, एलिमेंट नहीं है किसके, रिलेशन के। तो अतः यह दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक्स वाई और वाई एक्स क्या है, आपस में संबंध नहीं है। तो ये क्या है, सममित संबंध भी नहीं है। क्या है, सममित संबंध भी नहीं है। ठीक, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्या यह सक्रामक संबंध है। तो चूंकि हम जानते हैं कि सक्रामक संबंध के लिए मान लीजिए 2 है, 2 हमारा क्या है लेस देन इक्वल क्या है -3 के स्क्वायर के नीचे तो होगा, कम तो होगा नहीं। अतः चूंकि 2 और -3 क्या है, हमारा एलिमेंट है आर के, तथा -3 जो है क्या है, कम है किससे, -1 के स्क्वायर से ज्यादा कम है कि ज्यादा है, -3 है क्या है, कम होगा। तो इसलिए -3 जो है वन जो एलिमेंट है आर का वो क्या है, लेकिन और 3 2 क्या है,
तीन और जो एलिमेंट है किसके, आर के हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दो है वो क्या है, माइन वन के बराबर नहीं होगा, दो और दो जो है वन के बराबर नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये अ हमारा क्या है, अतः आर हमारा क्या है, सक्रमक संबंध क्या है, नहीं है। अतः इस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर देंगे कि जो दिया गया क्वेश्चन है हमारा सक्रमक संबंध ना कि ना ही समतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही सक्रमक संबंध है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जो R है रिलेशन ए और बी का, जहां पर बी क्या है ए प्लस वन द्वारा परिभाषित संबंध R है, समतुल्य भी है, सममित भी है और सक्रमक भी है। यानी हमको दिखाना है कि जो रिलेशन है क्या है, समतुल्य भी है, सममित भी है और सक्रमक भी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिया है क्या क्या है, दिया है, ठीक, दिया है ए इज ए दिया है किसका सेट है, एक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का क्या है सेट है, ठीक। और जो हमारा रिलेशन है आर वो दिया है ए और बी का, ए और बी का रिलेशन दिया है, जहां पर बी क्या है ए प्लस वन है। तो हम लोग को दिखाना है कि समतुल्य सममित, मतलब हमको चेक करना है कि क्या यह समतुल्य, मतलब ये संबंध समतुल्य है कि सममित है या सक्रमक है, ठीक। तो यहाँ पर चूंकि अब देखिए यहाँ पर ए और बी दिया है, बी इक्वल टू दिया है ए प्लस वन, तो मान लीजिए हम रिलेशन लेंगे, मान लीजिए हम ए देखते हैं समतुल्य के लिए देखते हैं, ठीक। तो समतुल्य के लिए देखेंगे तो समतुल्य के जानते हैं कि दोनों क्या होना चाहिए, एक से एक होना चाहिए, यानी हमारा जो रिलेशन है 1-1 होना चाहिए, 2-2 होना चाहिए, 3-3 होना चाहिए, 4-4 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये सब संबंध हमारे क्या है, समतुल्य संबंध है, आपस में क्या होंगी, रिफ्लेक्टिव होंगी। लेकिन जो यहाँ पर रिलेशन कह रहा है आर जो है ए और बी है, जहाँ पर बी इक्वल टू क्या है ए प्लस वन है, तो मान लीजिए हम एक्स इक्वल टू वन लेंगे, ठीक, x इक्वल टू वन लेंगे तो यहाँ पर y हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y की ये x है और ये y है, तो x इक्वल टू या a इक्वल टू हम लोग वन लेंगे तो यहाँ पर हमारा b क्या हो जाएगा, b हमारा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कभी भी ये हमारा रिलेशन क्या होगा 1-2 का बनेगा, उसी प्रकार इस प्रकार से हमारा रिलेशन 1-1 का नहीं बनना। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध समतुल्य क्या है, दिया गया संबंध समतुल्य नहीं है, ठीक है। दोस्तों समझ में आ रहा है समतुल्य संबंध क्या होता है, ठीक ठीक। उसी प्रकार से हम लोग इसका मिलाएंगे बी नंबर सममित संबंध। अब सममित के लिए हम लोग जानते हैं कि सममित के लिए संबंध, समित के लिए एक्स वाई और वाई एक्स आपस में क्या होना चाहिए, दोनों एलिमेंट होना चाहिए किसका, आर का, रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो संबंध जो क्या होगा हमारा सममित होगा, अदरवाइज सममित नहीं होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक और दो क्या है हमारा, एक और दो हमारा क्या है एलिमेंट ऑफ रिलेशन है, संबंध के क्या है रिलेशन है। लेकिन हम यानी एक दो हमारे रिलेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, तो दो और एक आपस में भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए आर के, तभी ये क्या होंगे सममित होंगे। लेकिन यहाँ पर दो होगा एज इक्वल टू जब दो लेंगे तो हमारा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 1 क्या है एलिमेंट नहीं है किसके, रिलेशन के, दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से। तो यह सममित संबंध भी नहीं है, सममित भी नहीं है, जो संबंध है हमारा सममित भी नहीं है, ठीक। उसी प्रकार से
सी नंबर कह रहा है, सी नंबर भी देख लेते हैं कि क्या यह सक्रमक है। तो सक्रमक के लिए मान लीजिए हमारा एक संबंध क्या है, 1/2 है, दूसरा हमारा क्या है, 2/3 होगा। तो यह हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1/3 भी क्या होना चाहिए, 1/3 भी क्या होना चाहिए एलिमेंट, ये जो जब आर के एलिमेंट हैं रिलेशन के दोनों ये अवयव हैं, तो 1/3 दोनों भी क्या होना चाहिए आर के संबंध के होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, जब 1/2 और 2/3 क्या है आर के रिलेशन के क्या है एलिमेंट है, लेकिन 1/3 हम जब a=1 लेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 3 तो आएगी नहीं। तो इस प्रकार से a 1/3 क्या है आर के एलिमेंट नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध सक्रमक नहीं है। तो इस प्रकार से हम दिए गए सेट की और रिलेशन की आपस में तीनों उनका संबंध चेक करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर जो संबंध है किसका, ए और बी का, और जो ए है लेस देन है या इक्वल है बी के द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य है, सक्रमक है किंतु सममित नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा दिया है ए जो इक्वल टू ए इक्वल टू आर है वो दिया है क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है। ठीक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा जो आर है रिलेशन है क्या है ए और बी का है, जहां पर ए है क्या है लेस देन बी के, मतलब बी से इक्वल है या उसे कम है, जो हमारा रिलेशन है वो कम है। तो हमको दिखाना है कि जो रिलेशन है क्या है, समतुल्य है, सक्रामक है और किंतु सममित नहीं है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो मान लीजिए ए की चेकिंग करते हैं, क्या दिखाते हैं समतुल्य के लिए हम लोग जानते हैं समतुल्य के लिए जो रिलेशन क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए। तो कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो मान लीजिए सभी कह रहा है कि ए इक्वल है बी के, यानी ए हो जाएगा कब, मान लीजिए 1 है, ठीक, मान लीजिए वास्तविक संख्या हम लोग 1 लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पर 1 लेंगे तो 1/1 हमारा क्या होगा रिलेशन होगा कि नहीं, क्योंकि ए जो दिया है बी के बराबर है, तो 1/1 हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन एलिमेंट किसका होगा आर का। उसी प्रकार 2/2 भी होगा किसका एलिमेंट होगा हमारा आर का। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रिलेशन क्या है समतुल्य है, क्योंकि ए जो है बी के बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा जो संबंध है समतुल्य है। ठीक उसी प्रकार बी सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए मान लीजिए हमारे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मान लीजिए हम 2/3 क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो यहाँ पर फिक्स है, मान लीजिए 2/3 क्या है एलिमेंट है फंक्शन है। तो ये बताइए 2/3 क्या है एलिमेंट है आर के, लेकिन 3 जो है 2 से कम या बराबर तो हो नहीं सकता है, 2 से कम बराबर तो होगा नहीं किसी भी वास्तविक संख्याओं के लिए। अतः यह 3/2 क्या है एलिमेंट नहीं है आर का, जाहिर सी बात है 3/2 है आर का एलिमेंट नहीं है, अतः यह संबंध हमारा क्या है सममित नहीं है। सममित कब होगा 2/3 और 3/2 दोनों क्या हो एलिमेंट किसके हो रिलेशन के हो आर के, दोनों क्या हो आर के आपस में क्या हो रिलेशन हो, लेकिन 3/2 तो एलिमेंट है ही नहीं, अतः हमारा ये संबंध सममित नहीं है। ठीक उसी प्रकार से सी नंबर कह रहा है सक्रमक के लिए, अब हम लोग जानते हैं सक्रमक के लिए मान लीजिए 2/3 क्या है हमारा एलिमेंट है वास्तविक संख्याओं के लिए है, तो 2/3 हमारा तो होगा ही संबंध। ठीक उसी प्रकार से 3/
चार क्या है, ये भी हमारा क्या होगा, एलिमेंट किसका होगा, फंक्शन का होगा। तो अगर सक्रमक होगा तो सक्रमक के लिए क्या है, दो और चार क्या होना चाहिए, आपस में भी आर के एलिमेंट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि दो जो है लेस देन या इक्वल टू चार से कम कभी भी होगा। तो अतः तो यह संबंध हमारा क्या है, सक्रमक है, क्या है, सक्रमक है। लेकिन हमारा संबंध जो क्या है, सममित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो तीन से कभी भी कम हो नहीं सकता है। अतः तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि दिया गया जो रिलेशन है हमारा समतुल्य है, सममित नहीं है और सक्रामक है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने तीन क्वेश्चन को हल कर दिया, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे इसके आगे से आगे वाले बचे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।